देश में कोरोना वायरस का कहर है, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की दो ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके बीच छिड़ गई है जंग। जी हाँ, सब बताएंगे, इत्मीनान रखिए। भाई हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह और रानी चटर्जी की। जी हाँ, रानी चटर्जी और अक्षरा सिंह दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और जब भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ऐसी चीज़ें तो सामने आएंगे ही, जिस चीज़ का सामना इन दिनों रानी चटर्जी कर रही हैं। भाई रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ पोस्ट किया और उस पर अक्षरा सिंह के किसी फैन ने कमेंट कर दिया। कमेंट इतना गंदा था कि रानी चटर्जी को आखिरकार उस कमेंट का जवाब देना पड़ा। तब रानी चटर्जी ने उस फैंस को ये जवाब दिया। घटिया फैंस लिखते हैं कि अक्षरा सिंह जैसी नहीं बन सकती हूँ। हेलो, बनना ही कौन चाहता है। आई एम रानी चटर्जी, आई एम डायमंड जुबली हिट्स, गोल्डन जुबली हिट्स, यूट्यूब से स्टार नहीं बनी हूँ। जितनी मैंने हिट्स दी है, पहले अपनी हीरोइन को उतनी फिल्में कर लेने दो, और अगर मुझे दोबारा डैम करने की कोशिश की तो बुरा होगा लास्ट टाइम। इतने पर भी रानी चटर्जी का जी नहीं भरा। फिर रानी चटर्जी ने उस फैंस को जवाब दिया, अक्षरा सिंह के नाम से कुछ फेक आईडी बना के लोग फालतू बकवास करते हैं, हमारे फैंस ने ऐसा कभी नहीं किया कि किसी और एक्टर को टारगेट किया। जैसे एक्टर वैसे ही उनके फैंस, इडियट। अब भाई रानी चटर्जी से हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आप भोजपुरी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, आपको कौन नहीं जानता, आपकी फैंस फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन रानी आपको ऐसे फैंस का जवाब देना ही नहीं चाहिए। भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोग बहुत कुछ कहा करते हैं, स्टार्स कमेंट पढ़ते हैं, लेकिन इसे लेटेड भी करते हैं। अब आपको अगर उदाहरण लेना ही है तो शेफाली जरीवाला से लीजिए। शेफाली जरीवाला ने आसिम को बिग बॉस के घर में बहुत कुछ कहा, बदले में जब भी शेफाली जरीवाला कुछ पोस्ट करती हैं तो आसिम के फैंस उन्हें इतने गंदी गंदे कमेंट करते हैं कि जिसे पढ़ने के बाद बहुत ताज्जुब होता है कि क्या औरतों की इतनी ही इज्जत है। लेकिन शेफाली उन्हें रीट्वीट करके या बैक आंसर कभी नहीं करती कि उन्हें पता है कि ये किस कैटेगरी के फैंस हैं। वैसे दोष इसमें अक्षरा सिंह का भी नहीं है, अक्षरा सिंह कभी किसी फैंस को ये थोड़ी कहने जाती हैं कि आप हमारे बिहाफ पे किसी को कुछ कहिए। और मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है तो आपसे बड़ा भोजपुरी में अभी तो कोई स्टार्स नहीं दिखता, और बड़े लोगों को इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे एक कहावत है, हाथी चला जाता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कहने दीजिए, क्योंकि आप कितनी बड़ी स्टार्स हैं ये सभी जानते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।